नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ जिले में अब खेतों में पराली जलाना किसानों को महंगा पड़ सकता है। जिला प्रशासन इसके लिए पूरी तरह तैयार है और पराली जलाने वालों पर जुर्माने के साथ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। पराली न जलाने के लिए जिला प्रशासन प्रचार प्रसार भी वाहनों से करा रहा है। आजमगढ़ में किसान पराली को खेतों में ही जला देते थे, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने किसानों को जागरूक करने के लिए 4 प्रचार वाहनों को लगाया है, जो हर तहसील और ब्लॉकों पर जाकर किसानों को जागरूक करेंगे कि वह अपने खेतों में पराली को न जलाएं। वहीं इस मामले में SDM वित्त एवं राजस्व गुरु प्रसाद ने कहा कि खेत में पहली बार पराली जलाने पर 2,500 से 15,000 रुपए तक का जुर्माना भरना होगा। दूसरी बार जलाने पर किसानों को जेल भी जाना पड़ेगा। किसानों में जागरूकता के लिए प्रचार वाहनों के जरिए ग्राम पंचायतों में फसल अवशेष प्रबंधन और पराली जलाने पर दंड के प्रावधान और फसल अवशेष प्रबंधन पर NGT के गाइडलाइन से किसानों को जागरूक किया जाएगा। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम की धारा 24 एवं 26 के तहत खेत में फसल जलाना एक दंडनीय अपराध है। पर्यावरण की क्षतिपूर्ति के लिए दंड के प्रावधान में 2 एकड़ से कम क्षेत्र के लिए 2,500 रुपए प्रति घटना, 2 एकड़ से 5 एकड़ के लिए 5,000 रुपए प्रति घटना, 5 एकड़ से अधिक क्षेत्र के लिए 15,000 रुपए प्रति घटना एवं अपराध की पुनरावृत्ति करने पर कारावास एवं अर्थदंड से दंडित कराया जाएगा। उन्होंने आगे बताया कि प्रत्येक प्रचार वाहनों पर कृषि विभाग के कर्मचारी लगाए गए हैं, जो स्वयं फसल अवशेष प्रबंधन के बारे में किसानों को माइक से जागरूक करेंगे। ये पराली जलाने में ये हम लोग चारा में से ही जब धान की फसल कटने वाली थी, उसी समय से हम लोग इसका प्रचार प्रसार व्यापक रूप से कराया, प्रधानों को नोटिस दिया, प्रत्येक ग्राम पंचायत में इसकी बैठक कराई, जागरूकता फैलाई और उसके नुकसान बताए, पराली जलाने से क्या नुकसान है और उसका प्रभाव भी पड़ा, लोग उससे जागरूक हुए। अभी भी हमारी 4 गाड़ियाँ ब्लॉक वार कल हमने रवाना किया है, जो पराली जलाने की जागरूकता के संबंध में प्रचार प्रसार ग्राम वार कर रही है। सर, किस तरीके के वाहन भी लगाए गए हैं? 2 दिन पहले आपने हरी झंडी भी दिखाई थी, इस तरीके को देखते हुए भी जिला प्रशासन के लगातार पहल के बाद भी ऐसी घटनाएं रुक नहीं रहे हैं, और कितने लोगों पर कार्रवाई की गई है? सर, देखिए, अभी तक हमारे जो सेटेलाइट की रिपोर्ट है उसमें 6 की सूचनाएं थी, जिसमें 3 सही पाई गई, उसमें FIR दर्ज कराई गई। 3 सूचनाएं पराली जलाने की नहीं निकली जांच के पश्चात, वहां पर लोगों ने कूड़ा जला करके कुछ जो धुआं निकलता है उस तरीके की घटना पाई गई। इसके अतिरिक्त 9 और हमारे यहाँ 15 घटनाएं टोटल हुई हैं, जिसमें 3 गलत पाई गई जो सेटेलाइट की सूचना थी, बाकी 11 में FIR दर्ज कराई गई और उसमें वसूली कार्रवाई की गई। तो सर, आने वाले समय में किस तरीके से जिला प्रशासन काम करेगा, मॉनिटरिंग आपके द्वारा किस तरीके से की जा रही है? इसमें मेरे द्वारा सभी जो सदस्य हैं इसके AOG SDM इनकी साप्ताहिक रूप से बैठक की जाती है, जिलाधिकारी महोदय द्वारा बैठक की जाती है और इसका फीडबैक लिया जाता है। कंट्रोल रूम भी इसके लिए हम लोग यहीं कलेक्ट्रेट में खोले हैं, ताकि कहीं किसी जन सामान्य को भी पराली जलाने की घटना की सूचना मिले तो हमारे कंट्रोल रूम में अवगत कराया, ताकि हम उसको चिन्हित करके विधिक कार्रवाई की जा सके। सर, किसानों से क्या अपील करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? किसानों को यही प्रचार प्रसार जागरूकता की जा रही है कि खेतों में पराली न जलाएं, उससे खेत की भी उर्वरता कम होती है और हमारा प्रदूषण भी फैलता है। इसलिए जो भी धान की कटाई हो रही है, जो इंस्ट्रूमेंट लगाए जा रहे हैं, जो हार्वेस्टर है उसमें भी SMS लगा करके काटने की कार्रवाई की जा रही है और किसान उससे समझ भी रहे हैं और प्रयास भी। इन्हें चुने लोग जो नहीं समझते तो उनको भी समझाने का प्रयास किया जा रहा है, इसके बावजूद भी जो कर रहा है उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।